ये आप लोग चेकआउट करो, ये पानी में पैर डालते तो इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, आप लोगों को क्या बताऊं। तो पीपल अभी हम लोग यहाँ पर आगे थोड़ा बस को एक्सप्लोर करने हैं और यहाँ पे लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे चाय के प्याले पड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग? तो आज है और एक नया दिन और हम लोग आ चुके हैं और एक नए व्लॉग के साथ। तो अभी तो नई नई सुबह हुई है तो आप लोगों को मेरी आंखों से लग ही रहा होगी मैं अभी उठा। तो अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को छोड़ने, मम्मी एकदम रेडी हो चुकी है तो मम्मी को छोड़ के आऊँगा, फिर उसके बाद मैं नहाऊँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। वैसे मैं अभी नहा के जाता ही, लेकिन इनको जल्दी जाना है, इस वजह से हम लोग जाएंगे, इनको पहले छोड़ के आते हैं फिर नहाएंगे। तो चलिए चलते हैं बाहर, धूप तो बहुत ज़्यादा है। रुकूँगा ऐसे कर नहीं, छोड़ूंगा फट से भागूँगा घर, तो मैं आता हूँ इन लोग को छोड़ के। गाइस अभी हो रखी है शाम और हम लोग जा रहे हैं अभी पंचिव मंदिर क्योंकि वहाँ पे दिया जलाना है। और आप लोगों को तो पता है सैटरडे को हमेशा हम लोग जाते हैं, तो मम्मी तो है नहीं तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ वहाँ पे। मैं अपने एक फ्रेंड को भी ले लूँगा तो हम लोग जाएंगे अभी वहीं पे दिया दिखाने, फिर जाएंगे तो घूमने। और मेरा चिकन खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो शायद हो सकता है चिकन भी खाएं। तो चलिए गाइस देखते हैं क्या क्या होता है शाम में हम लोग के साथ। और दिन भर में व्लॉग नहीं ले पाए क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी इस वजह से। चलिए अभी तो हम लोग निकले हैं बाहर, देखते हैं क्या क्या होता है अपन लोग के साथ। और मेरा सोडा लेकिन अभी हम लोग पीने नहीं वाले क्योंकि अभी मेरा मूड है नहीं पीने का। तो चलिए अभी डायरेक्ट चलते हैं पंचिम मंदिर, फिर वहाँ पे टीका दिखाते हैं, फिर निकलेंगे वहाँ से तो आगे की प्रक्रिया करेंगे। अभी गाइस हम लोग हैं साईं मंदिर के अंदर और मैंने आप लोग सामने देख सकते हो दिया जला दिया है। और ये चेकआउट करो, वहाँ पे कीर्तन हो रहा है तो सारी लेडीज़ यहाँ पे कीर्तन करते हैं। तो और देखो यहाँ पे बाबा लोग बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे इतनी मोटी लड़की है। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकलते हैं, थोड़ी जाएंगे पाटलिपुत्र स्टेडियम और ये एक आर्मी वाले कपड़े वाले भैया। तो गाइस ये आप लोग चेकआउट करो, ये पानी में पैर डालते तो इतना सेटिस्फाइंग लगता है ना, आप लोगों को क्या बताऊँ। तो पीपल अभी हम लोग हैं पाटलिपुत्र स्टेडियम के पास और आप लोग देख सकते हो कितने सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और हम लोग भी कुर्सी पे बैठे हुए थे। तो हम लोग जाएंगे अभी आगे थोड़ा बस को एक्सप्लोर करने और यहाँ पे लोग आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे चाय के प्याले पड़े हुए हैं तो यहीं पे सब फेंक देते हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये बस कितना पुराना लगा हुआ है, क्या मेरे को लगता नहीं है कि ये चलता भी होगा। तो चलिए इसको खोलने की कोशिश करता हूँ ना, तो यहाँ पे हुक है कुछ, पता नहीं कैसे खुलता होगा, मेरे को तो लगता है बंद है ये, ख़राब बस है। तो ये मेरे को लग रहा है एक बक्सा टाइप का, तो इसको खोल के देखते हैं। मेरे एक फ्रेंड शिवम ने इसको खोला, हाँ खोल। गाइस आज है नेक्स्ट डे और मम्मी मेरे लिए लेके आई है अमूल कूल दूध, ओरियो बिस्किट और कुरकुरे, तो आप लोग देख ही सकते हो। और गाइस कल का दिन ये हुआ कि मैं अपने फ्रेंड्स सबके साथ चले गया था चिकन पार्टी करने, इस वजह से मैं रात में व्लॉग नहीं बना पाया ज़्यादा। और बाकी की बातें बताता हूँ मैं आज। आज है डे टू, तो आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट मैं बाहर से अभी अगले दिन में क्यों स्विच कर गया। तो इसका कारण गाइस ये था कि मतलब कल जो थे मेरे फ्रेंड्स के घर पे हम लोगों ने चिकन पार्टी किया था, तो वहीं पे मैं गया था तो वहाँ पे मैंने व्लॉग नहीं ले पाया था, मैं वहीं पे रात भर आ गया था। तो सुबह जैसे 8 बजे तो मैं घर पर आ गया और मेरी नींद अच्छे से पूरी नहीं हुई थी तो थोड़ी देर आगे मैं सो गया था, तो वहीं सीन था। और अभी मैं उठा हूँ 11 बज रहे हैं, तो आप लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ही, मैंने खाया था वो बिस्किट विस्किट तो मम्मी लेके आई थी। तो मम्मी भी कल रात में बहुत लेट ही आई थी तो मैं घर पे था नहीं, तो मम्मी ने बोला लेट हो गया बहुत तो वहीं पे रुक जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था बनने में, अप्रॉक्स 9-10 बज गए थे तो इस वजह से मैं वहीं पर रुक गया। तो अभी हम लोग जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे और व्लॉग में अगर आप लोग अभी तक बने हुए हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो ज़रूर से। और इंस्टाग्राम पर भी मेरे को गाइस फॉलो ज़रूर कर लो जाके, ब्लॉगर अंडरस्कोर आदर्श 1630 का आईडी है, तो जाके फॉलो कर लो मेरे को। और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। तो आज गाइस मदर्स डे है तो सोच खाना मैं ही बनाऊंगा, मम्मी बोली थी तो ठीक है चलते हैं जाते हैं देखते हैं क्या क्या बनाएंगे। गाइस देख सकते हो हम लोग अभी निकले हुए हैं बाहर धूप में, तो मतलब रूम से बाहर निकला हूँ तो अभी मेरा आँख तक नहीं खुल रहा है धूप में, तो आप लोग देख सकते हो धूप कितनी ज़्यादा तगड़ी है बाहर। और वहाँ आइसक्रीम वाला, उसका आइसक्रीम मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में क्योंकि उसके आइसक्रीम में थोड़ा थोड़ा दूध जैसा टेस्ट आता रहता है, उस वजह से मेरे को अच्छा लगता है और कोई बात नहीं है। चलिए चलते हैं अंदर, बाहर निकलेगा तो कोई फ़ायदा है नहीं। और वरी मेरा बुढ़िया का घर, तो बुढ़िया पता नहीं क्या कर रही है।
गाइस अभी मैं पढ़ने बैठ चुका हूँ, और क्योंकि कल पूरी रात में पढ़ा नहीं था कुछ भी, तो और आप लोगों को मैं एक चीज़ अपडेट कर देना चाहता हूँ। अगर कोई है मेरे व्लॉग में ऐसा मेरा कोई फ्रेंड, तो अगर वो कंपटीशन एग्ज़ाम देता है तो CHSL का, शायद CHSL, हाँ उसका फॉर्म निकला है, तो आप लोग जाके उसको भर सकते हो, जो 12th पास होता है बेसिकली वही, तो उसका फॉर्म निकल के आप लोग जाके भर सकते हो। मैं भी भरूंगा, लेकिन मैंने अब तक भरा नहीं है, लेकिन मैं भर दूंगा ज़रूर से। तो अभी मैं जाके थोड़ी देर गाइस पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि जैसा मैं आप लोगों को बताया पूरी रात मैं अपने दोस्त के घर ही पे था, और पता नहीं अभी तक मेरे को नींद आ ही रही है, लेकिन नींद को करते हैं गायब और थोड़ी देर बैठ के पढ़ते हैं, उसके बाद जाके नाश्ता पानी करेंगे। और वैसे थोड़ी देर मेरे को पानी पीने का मन कर रहा है, पहले पानी पीऊँगा फिर पढ़ने बैठूँगा। गाइस देख सकते हो आप लोग, लाइट अभी कट चुकी है और बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है, पता नहीं मैं क्या ही करूँ। और थोड़ी देर पढ़ने बैठा था, थोड़ी देर में लाइट ही कट गई, तो आप लोग देख सकते हो एकदम मैंने गेट खोल के रखा है, वहाँ से भी धूप ही आ रही है, तो पता नहीं कितने देर में लाइट आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो क्या ही बोलूँ आप लोग को मैं। गाइज आज है 15 परसों मेरा बर्थडे है, तो हम लोग आज हो सकता है ना तो आज नहीं तो कल हम जाके अपना थोड़ा बियर्ड सेट करवाएंगे, क्योंकि दाढ़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया इस वजह से, तो या तो आज कर सकता हूँ, ज़्यादा चांस आज ही का है, नहीं तो कल तो फाइनली करवा ही लेंगे। अब मम्मी बना रही है चाल फ्राई, तो वो तो धूप में गर्मी में बना रही है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है गाइस, बता नहीं सकता इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर भी एडजस्ट करके रहना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, लाइट कट गई है तो। तो गाइस अभी लाइट आ चुकी है, काफ़ी देर के बाद लाइट आई, तो हम लोग ने अभी अपना लंच किया है, और फ़ोन का बैटरी भी एकदम डेड हो चुका था, तो मैं आगे ब्लॉग कुछ बना ही नहीं पाया बीच में, और मेरे फेस पे इतना पसीना है आप लोग देख ही सकते हो। तो चलिए व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट में जरूर बताओ। ये व्लॉग थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि मैं कल आप लोगों को जैसे मैंने बताया ये मैं चला गया था अपने दोस्त के साथ बाहर चिकन खाने, तो चलिए व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मम्मी अपना मतलब खाना खा ही रही है अभी, तो ठीक है मिलता हूँ और एक नए व्लॉग के साथ, तब ना ख्याल रखना, फैमिली का ख्याल रखो, मेरे व्लॉग्स रोज़ देखते रहो, और बस 2 दिन और है मेरा बर्थडे आने वाला है, तो हम लोग बर्थडे में पार्टी भी करेंगे कुछ, और आप लोग ने 160 सब्सक्राइबर भी करवा दिए लगभग, तो दिल से थैंक यू बहुत ज़्यादा। ठीक है गाइस तब मिलते हैं और एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक बाय। और एक और बात, जो अगला ब्लॉग आएगा डायरेक्ट मेरे बर्थडे वाले दिन आएगा, तो उस दिन का तो ब्लॉग नहीं होगा, हाँ तो बर्थडे के 2 दिन बाद ही आएगा। ठीक है गाइस मिलता हूँ मैं आप लोग से। अरे मम्मी, ठीक है गाइस बाय। Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, yep. Not today. No.